सो गाइज, मेरे पास एक एंड्रॉयड का स्मार्टफोन था, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसका जो चार्जिंग है प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, डिसकनेक्ट और कनेक्ट हो रहा था, और उसमें ये भी दिक्कत थी गाइज, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा था चार्ज। तो इसके लिए मैं उसको सर्विस सेंटर लेके गया, और मैंने सर्विस सेंटर में जब पता किया कि इसको ठीक करने का कितना चार्ज लगेगा, तो उन्होंने 1200 रुपये बताया, जिसमें वो कह रहे थे उसका नीचे का जो चार्जिंग बोर्ड है वो पूरा ही चेंज होगा। बट गाइज, मेरा स्मार्टफोन था जो वो काफ़ी ज़्यादा पुराना था, 3 साल मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका था, तो मेरे को उतना पैसा लगाना उसमें वैल्यूबल नहीं लगा। उसके बाद मैं अपने स्मार्टफोन को शॉप पे लेके गया। जब मैं शॉप पे लेके गया तो उन्होंने बोला इसके अंदर आपका 500 रुपये का खर्चा आएगा और उसके बाद आपका जो फोन है वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। बट गाइज, मेरे को इतनी नॉलेज थी मेरे को काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने ना 500 रुपये खर्च किए ना 1200 रुपये खर्च किए, मैंने अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ 100 रुपये में रिजॉल्व कर दिया। तो गाइज, इसके बाद मेरे को लगा अगर लोगों को भी टेक्निकली नॉलेज हो जाए थोड़ी बहुत, तो वो भी अपना खुद से फोन ठीक कर सकते हैं। सो गाइज, आपके पास चाहे कोई सी भी ब्रांड का स्मार्टफोन हो, आप उसे खुद से कैसे ठीक कर पाएंगे, उसका चार्जिंग बोर्ड कैसे रिप्लेस कर पाएंगे, इस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर बताया है। गाइस, इस वीडियो में जो मेथड बताई गई है, बस उसमें एक चीज़ आपका फ़ोन होना चाहिए, जो आपका फ़ोन है वो बैक साइड से ओपन होना चाहिए, ना कि फ्रंट साइड से। मोस्टली जो सैमसंग के फ़ोन होते हैं वो फ्रंट साइड से ओपन होते हैं, तो आप सैमसंग का फ़ोन है तो आप ये चीज़ मत ट्राई कीजिएगा। बाकी आपके पास MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी वगैरह स्मार्टफोन है तो एब्सोल्युटली आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप अपने फ़ोन का जो चार्जिंग बोर्ड है वो खुद से रिप्लेस कर पाएंगे, और आपको ना ही 1200 रुपये देने की ज़रूरत है, ना ही 500 रुपये देने की ज़रूरत है। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से अपना जो चार्जिंग बोर्ड होता है उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यार, यदि आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा समय ना लेते हो आपका, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जो ये चार्जिंग बोर्ड है आपको ऐसे शॉप पे मिल जाएगा जो फोन का स्पेयर पार्ट सेल करते हैं। बाकी यदि आपको नहीं मिल पाता वहाँ पे, तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये काफी ज्यादा सस्ते प्राइस में देखने को मिल जाता है। सो अब हम देखते हैं कि हमें ये जो चार्जिंग बोर्ड है इसको किस तरीके से रिप्लेस करना है। सो गाइज, इसके लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि सिम इजेक्टर पिन, एंड आप एक फ्लेक्सिबल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिससे अपने बैक पैनल को आप इजीली ओपन कर पाएं, एंड एक आपको चाहिए स्क्रू ड्राइवर, एंड एक आपको चाहिए ट्यूजर। इसके द्वारा आप जो अपना चार्जिंग बोर्ड है वो इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन का जो डिवाइस होगा उसका सबसे पहले हमें सिम ट्रे रिमूव कर लेनी है। तो सबसे पहले सिम ट्रे निकाल लेते हैं, एंड इसके बाद आपको जरूरत है ये जो बैक पैनल है इसको ओपन करने की। तो गाइज, अब आपको करना क्या है, यहां पे आप देखेंगे स्क्रू लग रखे हैं, तो आपको ये स्क्रू है जो ये ओपन करने हैं। स्क्रू रिमूव हो जाने के बाद आपको इस तरीके से अपने डिवाइस के जो स्पीकर्स हैं वो ओपन करने हैं। देख सकते हैं जो स्पीकर है वो हमने निकाल लिया है। अब सिंपल गाइस, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल FM बोर्ड दिया होता है, तो आप देख सकते हैं ये जो वायरिंग होती है एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से जब हम चार्ज पे लगाते हैं तो यहाँ से डिवाइस जो है वो मेन बोर्ड में जाती है, एंड मेन बोर्ड में जाने के बाद वो जो है बैटरी में सप्लाई आती है। तो इस तरीके से आपको जो ये बोर्ड है ये आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल केबल है, डिस्कनेक्ट करना है, एंड यहाँ पे ये देख सकते हैं ये केबल वायर होती है गाइस, नेटवर्क वायर, तो इसको इस तरीके से आप रिमूव कर लेंगे। एंड सिंपल आपको ये जो चार्जिंग बोर्ड है इस तरीके से निकालना है, एंड सिंपल आप देख सकते हैं ये न्यू चार्जिंग बोर्ड है जो मेरे को चेंज करना है, ये वर्किंग कंडीशन में है, तो सिंपल मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगा। एंड सिंपल जो ये FM बोर्ड है हम इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, एंड ये नेटवर्क वायर है इसको भी इस तरीके से लगा देंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों ही अच्छे से लग चुका है। अब सिंपल कुछ नहीं करना, आपको दोबारा स्पीकर लेना है, एंड स्पीकर को इस तरीके से लगा देंगे। सिंपल स्पीकर लगाने के बाद आपको गाइस क्या करना है, जितने भी स्क्रू आपने यहाँ से निकाले हैं वो अगेन आपको इस तरीके से लगा देने हैं। सो हमारे फ़ोन में जितने भी स्क्रू थे हमने सभी स्क्रू लगा दिए हैं। चलिए अब एक बार इस फ़ोन को जो है हम पैक कर देते हैं, इस तरीके से बैक पैनल लगा देंगे हम इस फ़ोन का। सो अब हमारा जो बैक पैनल है वो बिल्कुल प्रॉपर फिक्स हो चुका है, एंड चलिए अब इसमें हम सिम ट्रे लगाते हैं। तो फाइनली हमारे फ़ोन में जो चार्जिंग बोर्ड है वो चेंज हो चुका है। अब चलिए हम इसे एक बार चार्ज पे लगाते हैं एंड चेक करते हैं कि वर्किंग है या नहीं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो आप ये चार्जिंग बोर्ड है ये आप खुद से रिप्लेस कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप देख सकते हैं कि जो हमारे डिवाइस है बिल्कुल चार्ज ले रहा है, प्रॉपर चार्जिंग हो रही है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हुई और इस वीडियो के अंदर आपको टेक्निकली चीज़ें सीखने को मिली होगी। यदि आपके कॉलिंग रिसीवर में स्लो साउंड है तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको जानना है कि कंपनी किस रीज़न से आपको वारंटी क्लेम नहीं देती तो आप इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एंड यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।